हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? बच्चों, मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज कर दो। ओके 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 ओके। 9F एंड D दोनों के माइक ऑफ हैं, तो प्लीज अपने माइक्स ऑन कर लीजिए। अगर कोई जवाब दोगे तो मुझ तक आवाज आएगी नहीं। 9F एंड 9D, स्विच ऑन योर माइक्स। अच्छा चलिए जी, तो साढ़े की क्लास में आप लोगों ने नंबर सिस्टम सेकंड मॉड्यूल, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरीके से इरेशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट वी हैव डन। मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया था। चलिए जी, तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से करके बता दो, फिर हम मॉड्यूल 3 की तरफ चलते हैं। लो जी, आपके पास है 3√2 √2 + 5। जल्दी से सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है मुझे, फटाफट, जल्दी जल्दी। लेट मी सी हु गिव्स मी द आंसर, हु इज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर। 3√2 - 5 मल्टीप्लाइड विद √2 + 5। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का मेथड हमारा जा रहा है यहाँ पर, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते जाना है। सिर्फ ये देखना है एक इरेशनल एक रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी, और आंसर बताइए मुझे क्या निकाल रहे हो। हाँ जी, 9A में से खुशी, खुशी फ्रॉम 9A, और 9A में जो कर्टन है ये भी बहुत आगे आ रहा है। अगर ये किसी तरह से आप इसको यू कैन इसको थोड़ा सा किसी चीज से, या तो आप वो कर दो, बहुत आगे आ रहा है तो ना। हाँ, इसको यस। हाँ जी, 9A खुशी। आ जाओ बच्चे, बताइए जी, बोलिए कैसे कर दो। हाँ जी, 3√2 मल्टीप्लाइड विद √2, बट व्हाट इज इट गोइंग टू गिव मी? I haven't completed yet. यू हैवन कंप्लीटेड। चलिए करिए, फिर फटाफट करिए 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 करिए। एनीवन फ्रॉम 9A हु हैज कंप्लीटेड अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर सेक्शन, इफ एनीवन हैज कंप्लीटेड 9E, 9E में से किसने क्वेश्चन कर लिया है? कुछ, हाँ, जितना जो स्टेप कर लिया वो बता दो मुझे। युवराज, हाँ जी बताओ। 10√2 + 46. 10√2 + 46, ओके, दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग। मुझे स्टेप्स बता दो क्या फॉलो किया बेटा। सबसे पहले 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अगला स्टेप, नॉर्मल ब्रैकेट कैसे ओपन करते हो? इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 3√2, राइट? आगे क्या किया बेटा, बोलो। मैम उसके बाद -5 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई. -5 को √2 से मल्टीप्लाई किया और -5 × 5, यही मेरे पास नॉर्मल मेथड है ब्रैकेट्स को ओपन करने का। जहां जो एक नंबर पड़ा है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो दूसरा नंबर पड़ा है उससे दोनों को मल्टीप्लाई। शाबाश बेटा, ये बताओ 3√2 × √2 क्या आंसर मिलेगा मुझे? 3 × 2. 3 × 2, √2 × √2 becomes 2, सो 3 × 2, यहां पर क्या मिलेगा बेटा? परफेक्ट, 15√2. दिस इज -5√2 एंड दिस इज गोइंग टू बेटा -25. -25। तो फिर जो आप आंसर बता रहे हो, देखो जरा उसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको? दिस इज 6 + 15√2 - 5√2। हमने ये बात कही थी कि जब इरेशनल पार्ट्स सेम होते हैं तो हम इनको 15√2 में से 5√2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 10√2, और साथ में है -25। तो ये पार्ट तो आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हो गई है गड़बड़। वॉट माई आंसर शुड बी 6 - 25 कितना आ जाएगा? -19 + 10√2, -19 + 10√2। ठीक है बच्चे, जाओ सीट पर। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्रैकेट्स ओपन करना नॉर्मल जैसे नंबर्स के साथ करते हो, रैशनल करना है। द ओनली थिंग इज कि आपको जब एक रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इरेशनल पार्ट ऐसे रह जाता है, इसका जो आपके पास 3 वाला जो रैशनल वाला पार्ट था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल मालूम नहीं हमें कैसे करते हैं। इज इट ओके? शुड वी डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस या आगे चलें? नहीं
बोलो एक एक क्वेश्चन और दे दो। चलिए फिर थोड़ा सा उसको मैं डिफिकल्ट कर रही हूँ। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि रूट फाइव प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस अंडर रूट 5। लो जी अब देखते हैं क्या करता। शाबाश, जल्दी जल्दी ब्रैकेट्स ओपन करने का तरीका, इसका रूट 5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, देन दिस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट 3 माइनस रूट 5। चलिए फटाफट टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते जाओ और मुझे आंसर बताओ क्या निकालोगे। अब 9B से मैंने आंसर लेने हैं, जल्दी। आई वांट आंसर्स फ्रॉम 9B नाउ। फटाफट कर लो 9B स्टूडेंट्स। बाकियों ने भी करना है या नहीं? बाकियों ने करना नहीं है। I want to answer now. जब आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इरेशनल पार्ट सेम है, लेकिन जब यहां पर इससे करोगे तो इरेशनल पार्ट डिफरेंट हैं। तो बी केयरफुल व्हाट इज टू बी डन। ब्रैकेट खोला तो ये हो गया 3 रूट 5। अगली टर्म बोलो जी, सारे बोलेंगे क्या बनेगी अगली टर्म? रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या बन जाता है? फाइव। चलो जी आगे चलिए, अगली टर्म बोलो बेटा। थ्री 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड नेक्स्ट इज माइनस साइन के साथ 3 रूट 2 इंटू रूट फाइव। चलिए जी ये तो 3 रूट 5 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। ये हो गया -5। ये बताइए जी क्या बना? हाँ बेटा 9B से जो माइक के पास खड़े हैं बेटा वो बताएंगे। कोई है ना 9B से माइक के पास? समबडी वाज देयर। एट रूट 8 रूट 2 कैसे बनेगा ये? 8 रूट 2 ये समझा दो मुझे। ये है 3 रूट 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या बनेगा? सी जब 3 रूट 2 को से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनना चाहिए बेटा? 9 रूट 2 नाइन रूट टू वेरी गुड। अगले में बताना जरा सोच समझ के। अब ये जो दो इरेशनल पार्ट्स हैं वो दोनों से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, तो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में हम? क्या लिखूं अब मैं इसको फाइनली? √2 इंटू √5 क्या लिख सकते हैं इसको? एग्जैक्टली आई कैन राइट इट एज √10। कंबाइन कर दिया हमने अंडर रूट को 2 इंटू 5 सो दैट इज √10, और 3 बाहर पड़ा था तो 3 रूट 10। ये बात समझ में आई है सबको? जब मेरे पास दो डिफरेंट इरेशनल पार्ट्स वाली बात आ जाती है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं √A इंटू √B इज √AB। जब सेम नंबर्स होते हैं अंडर रूट के अंदर तो आपको मालूम है √A इंटू √A ए हो जाता है। तो ये बात और ये दो बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर इरेशनल पार्ट्स डिफरेंट हैं √A इंटू √B कुछ डिफरेंट नंबर्स पड़े हैं तो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी विद इन अंडर रूट, और अगर सेम ही नंबर पड़ा है तो आंसर ए हो जाता है। तो अब यहाँ पर मेरा आंसर कैसे? आगे फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती क्योंकि जितने भी इरेशनल पड़े हैं उनके इरेशनल पार्ट सेम नहीं है, तो नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैन बी कैरिड आउट। तो माई आंसर इज 3 रूट 5 -5 प्लस 9 रूट 2 -3 रूट 10। इज इट ओके? चलिए यस नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है दैट इज बेस्ड अपॉन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर ऐसा कुछ भी नंबर जिसको मैं अपने गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर रैशनल बन जाए। एज अ नेम सजेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। मेरे पास एक इरेशनल नंबर है लेट अस से √2 + 1 और मुझे कहा जाए इसको रैशनलाइज करो, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? हाँ जी, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस? अंडर रूट टू -1. माइनस वन। क्यों कह रहे हैं इसको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर? क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर रैशनल नंबर मिलेगा। देखो जी, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी मैंने यूज करी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ये बेटा? अब ए स्क्वायर का मतलब है रूट टू का स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा अगर रूट ए इंटू रूट ए करते हो तो ए बन जाता है, इसका मतलब रूट टू का स्क्वायर करूंगी तो दो बन गया, टू माइनस वन, आंसर इज वन। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर वन बन गया, विच इज अ रैशनल नंबर। इसीलिए ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर और ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रैशनलाइजिंग फैक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा इरैशनल नंबर रैशनल बन जाए। ये बात समझ में आती है सभी को? चलिए जी, तो जो आज हमने मॉड्यूल करना है वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंडेंट है, बाकी और कुछ है नहीं इस पूरे के अंदर। तो सिंपल, जल्दी जल्दी से हम कैलकुलेशंस करते जाएंगे और देखते जाएंगे। ये बात पहले नोट कर लो, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? एनी टर्म विच ऑन मल्टीप्लीकेशन गिव्स द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। आंसर रैशनल हो जाना चाहिए। किसी इरैशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर रैशनल बन जाए, वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। चलिए जी, थर्ड मॉड्यूल फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू दी हुई है वन माइनस रूट टू और आपको बोला जा रहा है वैल्यू बताओ एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर। एक्स तो मुझे दे ना क्यूब है, लो जी क्यूब कर देते हैं। एक्स की वैल्यू वन माइनस रूट टू, तो वन बाय एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? वन अपॉन वन माइनस रूट टू। एक्स था वन माइनस रूट टू, तो वन बाय एक्स क्या होगा? वन अपॉन वन माइनस रूट टू। ठीक है जी, अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, मैं इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहती हूं ताकि मेरा आंसर, मेरा डिनोमिनेटर कैसा हो जाए? रैशनल हो जाए। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? प्लस अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट टू। आपको मालूम है इरेशनल पार्ट का साइन बदल देते हैं हम, वो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर। वन प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई, वन प्लस रूट टू से डिवाइड। आप जरा जल्दी से बता दो, न्यूमरेटर तो वन प्लस रूट टू ही हो गया, डिनोमिनेटर क्या बनेगा? सोच समझ के आंसर करना। -2 बिल्कुल, अब फिर से ए प्लस बी इंटू ए ए माइनस बी लगाया। अभी ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू रूट टू है, तो मेरा आंसर वन माइनस टू दैट इज माइनस वन। इसका मतलब वन बाय एक्स इज माइनस ऑफ वन प्लस रूट टू। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? पहले यहां तक बता दो, क्या था मुझे दिया? एक्स की वैल्यू वन माइनस रूट टू, पूछा क्या गया? एक्स माइनस वन बाय एक्स का क्यूब। ये एक्स की वैल्यू पड़ी थी, मैंने एक सोचा कि पहले वन बाय एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। वन बाय एक्स का मतलब है डिनोमिनेटर में ये एक्स डाल दिया। अब इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करने की बजाय मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ। रैशनलाइज करने के लिए आपको मालूम है वन प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऊपर तो ये वन से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम ही रहेगा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी निकाला तो डिनोमिनेटर माइनस वन गया। सो वन बाय एक्स इज दिस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो फिर, अब हमने क्या करना है, जो मुझे निकालना है, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मुझे जो निकालना है दैट इज एक्स माइनस वन बाय एक्स और उसका क्यूब। वैल्यू डाल देते हैं, एक्स की जगह क्या डालेगा? वन माइनस रूट टू, और वन बाय एक्स की जगह क्या डालना है? वन
माइनस ऑफ वन प्लस रूट टू, ध्यान से देखना इस बात को, माइनस ऑफ वन प्लस रूट टू, माइनस ऑफ वन प्लस रूट टू क्यूब करना है। एक्स की वैल्यू वन माइनस रूट टू, ये नेगेटिव साइन बीच वाला जो था, और वन बाय एक्स निकाला मैंने, माइनस ऑफ वन प्लस रूट टू। यहां तक सबको समझ में आ रही है बात? अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, बस इतना ही काम बाकी बचा है मेरा। ये तो वन माइनस रूट टू, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बना देगा हाँ प्लस, तो मेरे पास यहां से जो टर्म आई दैट इज वन प्लस रूट टू और पूरे का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, रूट टू कट गया, वन प्लस वन टू, टू का क्यूब एट। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ध्यान से समझना है, देखना है, हमने कुछ नहीं किया, एक्स दिया था वन माइनस रूट टू, एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो मैंने वन बाय एक्स कैलकुलेट कर दिया, डिनोमिनेटर इरेशनल था, रैशनलाइजिंग फैक्टर लगा करके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाया, जो वन बाय एक्स की वैल्यू आई यहाँ पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाल दिया, दैट्स इट। यहाँ क्यूब की जगह स्क्वायर भी हो सकता या है। हाँ पावर आप जो मर्जी कर लो, 3, 1, 5, 10, 15, व्हाटएवर, हमारा काम सिर्फ ये समझने का है कि ये कैसे आया, ऊपर पावर जो मर्जी चलती जाए। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं, सेम वैल्यू दे रखी है और मैं कहूं एक्स प्लस वन बाय एक्स का क्यूब करना, शाबाश जल्दी से बताओ मुझे, वन बाय एक्स निकला पड़ा है आपके पास, एक्स निकला पड़ा है, एक्स प्लस वन बाय एक्स करना है और जो नंबर आएगा उसका क्यूब करना है, शाबाश जल्दी से करो और मुझे बताओ आंसर क्या बनाओगे। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से पुट द वैल्यूज, यू हैव एक्स, यू हैव वन बाय एक्स, जल्दी से वैल्यूज डाल दो और जो भी आंसर बन रहा है उसका क्यूब कर दो। हाँ हाँ जी, एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स है वन माइनस रूट टू, ये वन बाय एक्स को अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख लूं तो माइनस वन माइनस रूट टू, इसमें मैंने ऐड करना है क्या, माइनस वन माइनस रूट टू और रिजल्टिंग नंबर का क्यूब करना है, वन माइनस रूट टू, यहां से बोलो क्या बना, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, बैठ मजा करो, अब इसके बाहर तो प्लस ही पड़ा है मतलब साइन तो कुछ बदलने नहीं, माइनस वन माइनस रूट टू का क्यूब, अब बताओ क्या कैंसल आउट होगा और क्या बचेगा, अब ध्यान से बताना, माइनस रूट टू माइनस रूट टू, -200 माइनस टू अंडर रूट टू का क्यूब, जब भी पिछली बार भी हमने ये बात की थी, थिंक देम लाइक ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, चलो एक्स ऑलरेडी ले रहे हो, ये माइनस ए माइनस ए, सेम नंबर को दो बार ऐड कर रहे हो, दो नेगेटिव सेम नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो उस नंबर का डबल, माइनस टू रूट टू का क्यूब, बताना जरा इसका क्यूब क्या आएगा, अंडर क्यूब करने का मतलब इसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, थ्री टाइम्स, माइनस टू रूट टू, बताओ जरा इन दो को मल्टीप्लाई करके क्या बना, माइनस माइनस हो गया, प्लस टू इंटू टू फोर, और रूट टू टू,
टू टू जा फोर और एक दो यहां से आ गया आठ, प्लस का आठ मल्टीप्लाइड बाय -2√2, तो फाइनली आंसर क्या बना? -16√2। ये बात समझ में आ रही है बच्चों या नहीं? मैंने -2√2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना था। जब -2√2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन से आंसर माइनस मिलना ही है। ये बात समझ में आती है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2√2 मिलके 2 बना दिया, तो 16√2 पड़ा है, तो -16√2, दैट विल बी योर आंसर। अगर किसी को बात समझ नहीं आई है तो कृपा करके पूछ लो। अगर समझ में आ गया तो केस स्टडी पे चलो, फटाफट कर दो जरा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं ज्यादा लगाना हमने, फटाफट गो टू योर केस स्टडी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज गिवन टू बी 7 + 4√3, फिर पूछा गया एक्स +1/x बताओ, एक्स -1/x बताओ, पहले ये दोनों काम कर दो जरा, एक्स +1/x एंड एक्स -1/x, सेम डिट्टो इसी लाइंस पे चलते हुए जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी को ध्यान में रखते हुए आपने मुझे एक्स +1/x और एक्स -1/x की वैल्यूज बतानी है। मेरे पास एक्स दे रखा है, एक्स एक्स इज गिवन टू बी 7 + 4√3। सबसे पहले मुझे 1/x का आंसर बताना है, जल्दी से कैलकुलेट करो और 1/x बताओ क्या बना रहे। वन अपॉन 7 + 4√3, रैशनलाइज करो और आंसर बताओ क्या बना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x? नाइन सी हरमन, फटाफट माइक के पास आ जाओ जी। क्वेश्चन किया या नहीं किया वो बाद की बात है। नाइन सी हरमन, कम नियर द माइक। हाँ जी बच्चे, मुझे बताओ क्या करना है मैंने इसको रैशनलाइज करने के लिए, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं बेटा, जल्दी से बता दे। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका? शाबाश शाबाश बोलो बेटा हरमन। सेवन प्लस फोर रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करके। यहां इरेशनल का साइन प्लस है, तो अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे मिलेगा बेटा? बोलो बच्चे क्या करूं? सेवन किससे मल्टीप्लाई करूं? सेवन -9 -4√3। यहां पर 4√3 का साइन प्लस में था, मुझे इसका साइन बदलना था तभी रैशनलाइजिंग फैक्टर मिलता है। तो 7 -4√3 से मल्टीप्लाई और 7 -4√3 से डिवाइड। ये बात समझ में आई है हरमन बच्चे? ठीक है चलो अब आगे फटाफट से कैलकुलेशन करो और आंसर बोलो। 7 -4√3 7 -4√3 किसने आंसर किया है? ये फ्रॉम 9th B सुखमन। नाइन्थ बी सुखमान, वेरी गुड सुखमान फ्रॉम नाइन्थ बी सेज द आंसर फॉर 1/x 7 -4√3। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? किस किस का आंसर 7 -4√3 आ रहा है? न्यूमेरेटर में तो 7 -4√3 ही पड़ा है, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। अब डिनोमिनेटर में फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाना। ए का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। 7 -4√3, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4√3 का स्क्वायर बोलो जी।
मल्टीप्लाई बाय थ्री, फोर रूट थ्री के स्क्वायर का मतलब फोर रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री, ये चार और चार को मल्टीप्लाई किया, सिक्सटीन रूट थ्री इंटू रूट थ्री में मालूम है तीन हो जाता है, तो 48। इसका मतलब 7 माइनस 4 रूट 3, ये वैल्यू मुझे मिल गई है 1 अपॉन x की, 7 माइनस 4 रूट 3। ये बात समझ में आई है सभी को? वैल्यू ऑफ x इज 7 प्लस 4 रूट 3, सो वैल्यू ऑफ 1 बाय x विल बी 7 माइनस 4 रूट 3। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, लेट अस गो टू दैट, एंड दैट सेज क्या करना है मुझे, x प्लस 1 बाय x और x माइनस 1 बाय x बताना है। हाँ जी बोलिए जी। आई वॉन्ट x प्लस 1 बाय x, बोलो जी क्या वैल्यू आएगी x प्लस 1 बाय x की। अरे जवाब दिया करो बच्चों, बैठ काहे को जाते हो तुम लोग। ये दो नंबर्स को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 14। क्वेश्चन को आंसर नहीं करोगे तो क्या फायदा बैठ के बच्चों, वी हैव टू ऐड दीज थ्रू टू। अब क्या हुआ, ये वाले पार्ट कट गए, आंसर क्या बना, 14। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x। फिर पूछा गया x माइनस 1 बाय x, जल्दी से बता दो जरा क्या आंसर बनाओगे। अब इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है तो आंसर क्या बनेगा, जीरो। जीरो। कैसे बनेगी जीरो, x प्लस सॉरी माइनस 1 बाय x, जीरो कहां से आ गया पहले तो ये समझाओ मुझे। सात प्लस फोर रूट थ्री माइनस 7 प्लस फोर रूट थ्री, साइन चेंज हो जाएगा इसका, पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो अब कैंसिल क्या, कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी, 7 एंड माइनस 7, ये क्या बनेगा, फोर रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री विल गिव मी 8 अंडर रूट थ्री, 8 अंडर रूट थ्री। This is like 4x plus 4x, that makes it 8x, और x को हमने सपोज कर लिया यहाँ रूट थ्री था, तो x माइनस 1 बाय x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8 अंडर रूट 3। तो x प्लस 1 बाय x 14 और x माइनस 1 बाय x 8 अंडर रूट 3। यहां तक बात समझ में आती है सभी को? अब अगला पार्ट पढ़ो जरा। नेक्स्ट पार्ट में मुझे बताना है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करूं, ध्यान से सुनो, पहले क्या मैं पहले ये x जो बड़ा इसका स्क्वायर कर दूं, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालूं, फिर ऐड करूं, फिर आंसर निकालूं, या कोई और तरीका? ऐसे क्वेश्चन आप एट में किया करते थे। अगर आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू या x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू पड़ी हो, तो क्या x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर निकाला जा सकता है? एनीवन हु रिमेंबर्स, एट्थ क्लास में जब आप आइडेंटिटीज के चैप्टर पढ़ते थे, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपने डेफिनेटली किए हुए हैं। यहाँ देखो x प्लस 1 बाय x पड़ा है और x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की जरूरत है, तो क्या करना चाहिए मुझे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें, x प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस, सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, x प्लस 1 बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए
हाँ जी, व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर विच इज 196। ये एक्स एक्स से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 196। पूछा किसा क्या है मुझसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या करूं, ये दो दूसरी तरफ शिफ्ट, तो आंसर इज 194। दोबारा देखो, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 14 निकाल दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां तो सीधे से 14 का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहां क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स और एक्स कट गया, सिर्फ दो यहां बचा, मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, दो को भी शिफ्ट कर दिया, तो आंसर 194। ये बात समझ में आई है बच्चों? यस। अभी इसका लास्ट पार्ट अभी के लिए छोड़ रहे हैं और हम चल रहे हैं असर्शन रीजन पर। पढ़िए जी, फर्स्ट असर्शन रीजन, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट 5 इज 2 माइनस रूट 5। बोलिए जी, 2 प्लस रूट 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या 2 माइनस रूट 5 होता है? ट्रू है। हमने क्या कहा, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए रैशनल पार्ट का साइन बदल दो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, तो 2 प्लस रूट 5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस रूट 5। सो असर्शन हो गया ट्रू। अब रीजन की बात कर लेते हैं, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर है उसको किसी इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोशेंट मींस डिवाइड कर दें, तो दोनों केसेस में मेरे पास आंसर रैशनल नंबर बनेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस इज 3 रूट 5, इसको या ऐसे ही छोड़ सकते हो या रैशनलाइज करना है तो रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो ये बना 3 रूट 5 बाय 5, दोनों ही कैसे हैं, इरैशनल। इसका मतलब असर्शन तो है आपका ट्रू लेकिन रीजन हो गया फॉल्स, तो आंसर हो गया सी। आगे चलिए जी, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इज इट ओके? किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर ढूंढना है तो मैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय दो कर दूं, तो क्या मुझे रैशनल नंबर मिल जाता है उनके बीच का? मान लो एक नंबर है 3, रैशनल नंबर है, दूसरा है 5, 3 प्लस 5 बाय 2 4 इज 4 अ नंबर विच इज रैशनल एंड लाइंग बिटवीन 3 एंड 5। हाँ जी, इज इट और नॉट? तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर ढूंढना है तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, आंसर मिल जाता है। इरेशनल नंबर के लिए क्या कहा था हमने, क्या करना होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट। दिस इज रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज इरेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। तो असर्शन हुई ट्रू, रीजन बताओ जी, देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर, फॉल्स? क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें पता है कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो यहां पर फिर से रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, सो आंसर बनेगा
नेक्स्ट चलो जी, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बोलो जी क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप फॉर्म में वन करके लिख दूं तो पी बाय क्यू की फॉर्म हो जाती है, इंटीजर्स हैं ये तो वो रैशनल नंबर हो जाता है. रीजन दिया है एवरी इंटीजर एम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म एम बाय वन, यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. कोई भी इंटीजर अगर एम है उसको आप अपॉन वन करके लिख सकते हो, मतलब पी बाय क्यू की फॉर्म में ले जा सकते हो, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में ले जा सकते हो. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. चलिए जी, सो वी हैव डन ऑल द सेशन रीजंस. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर फोर. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ एमसीक्यू. दी वैल्यू, और आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा दिमाग दिमाग पर बनी, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट को बेहतर करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही. वैल्यू ऑफ ये सब कुछ जो दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालना है. अगर यहाँ पर मेरे पास रैशनल नंबर्स होते डिनोमिनेटर के अंदर तो हम एलसीएम ले लेते और अपना काम कर लेते. अभी पढ़े हैं इरेशनल नंबर्स. बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स होते हैं तो मेरा पहला काम होता है उसको किस में कन्वर्ट करना, रैशनल. इसका मतलब मैं हर टर्म को रैशनलाइज कर लूं पहले, फिर जो जो आंसर बनते जाएंगे उनको वहां पर रखते जाएंगे, माइनस प्लस जो करना है वो करते जाएंगे. ठीक है जी, अब मुझे हर एक बच्चे की आवाज आनी चाहिए, अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं? एवरीवन हैज टू स्पीक, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं? रूट सिक्स प्लस रूट थ्री. चलो जी, रूट सिक्स प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड. अब ऊपर भी थोड़ा सा झगड़ा पड़ने वाला है, चलो देखते हैं क्या करते हैं. करो जी सॉल्व. न्यूमरेटर क्या बनाया, डिनोमिनेटर क्या बनाया, वो देखो और बताओ. अभी मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख रही हूँ, थ्री रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट सिक्स प्लस रूट थ्री, और नीचे सोच समझ के आंसर करो क्या आएगा. थ्री ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट छ का स्क्वायर रूट तीन का स्क्वायर. सो मेरे को अल्टीमेटली क्या मिल गया, तीन. अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, इस तीन को इस तीन से क्या कैंसिल कर दूं? अब अगली टर्म पर चलते हैं, रूट टू को रूट छह से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, रूट ट्वेल्व. रूट टू को रूट तीन से मल्टीप्लाई करूं, रूट सिक्स. रूट सिक्स हमने प्रॉपर्टी लगाई, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, छह इंटू दो बारह, तीन इंटू दो छह. तो पहली टर्म को सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ गया अंडर रूट बारह प्लस अंडर रूट छ. इसको यहां लिख के रख लेते हैं, अंडर रूट बारह प्लस अंडर रूट छ, ये पहली टर्म को सिंप्लीफाई करके मुझे मिला. एक बार सारे वापस देख लो, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है और बच्चों पूछोगे नहीं तो क्लास में बैठने का फायदा नहीं. सिंपल रैशनलाइजेशन की हमने, रूट छ माइनस रूट तीन है तो प्लस ले लिया, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी लगाया, ये तीन से ये कट गया, और फिर हमने ये प्रॉपर्टी लगा करके सिंप्लीफाई कर दिया. अब जल्दी से जरा सेकंड वाला पार्ट रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके मुझे समझा दो क्या बनने वाला है. वेरी गुड, आई वांट एवरीबॉडी टू डू इट एंड गिव मी द आंसर. जिसका पहले आ जाता है जल्दी से मुझे बता दो. शाबाश, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं बात को, समझ रहे हैं, और समझ रहे हो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, फिर चिंता नहीं है. रूट छ माइनस रूट दो, चलो शाबाश, फटाफट रैशनलाइज करो जैसे पिछले पार्ट में किया था, देखो कुछ कैंसिल कुंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है,
क्या मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, शाबाश, फटाफट फटाफट क्विकली। रूट 18 प्लस रूट 6। रूट 18 प्लस रूट 6, वेरी गुड। हु हैज गिवन द आंसर? रूट 18 प्लस रूट 6, नाइन्थ बी अंशिका। नाइन्थ बी अंशिका, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। बाकी फटाफट निकालो फटाफट। हाँ जी, नाइन ई में से देवेंदर सिंह, नाइन ई देवेंदर, बेटा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, जल्दी बोल दे बेटा, व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? आजा माइक के पास, जल्दी आजा बेटा, टू दोबारा बोल। रूट टू रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स, रूट टू बाकी बोलेंगे वो नहीं बोलेगा तो उसको क्या समझ में आएगा। रूट 6 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है बेटा, चलो सीट पर। न्यूमरेटर बना 4√3 विद इन ब्रैकेट रूट 6 प्लस रूट 2, डिनोमिनेटर बताओ जी क्या बनाया? 4। रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4, 4 और 4 कट गया। अब मेरे को 9F से बताना है, किरण ज्योत, 9F किरण ज्योत, 9F आपका माइक ऑफ है, पहले माइक ऑन करो अपना 9F। नाइन एफ किरण ज्योत, माइक ऑफ है, माइक ऑन करिए, आगे आइए और बताइए मैं फर्दर इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं। कोई नहीं सुन रहा। नाइन सी से ईशा, ईशा फ्रॉम 9C, आजा बेटा फटाफट बताओ जी, ये बाहर रूट 3 पड़ा है, अंदर रूट 6 प्लस रूट 2 है, सिंप्लीफाई करूंगी क्या मिलेगा? रूट 18 माइनस रूट 6 माइनस, कहां से आएगा माइनस? प्लस प्लस रूट 6, 6 × 3 18, 3 × 2 6, सो रूट 18 प्लस रूट 6। गो टू योर सीट बेटा। चाहिए। रूट 18 प्लस रूट 6 इज समथिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म पे आ जाओ, जल्दी से करो और आंसर बोलो, ध्यान से करना। रूट 18 माइनस 6 ओके, निकाल लिया गया है पहले ही, चलिए गुड। देखो जी, ये है मेरे पास अब 2√3 डिवाइड बाय रूट 6 प्लस 2। मैं इसको रूट 6 माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और 2 माइनस रूट 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, दैट इज माय चॉइस, मैं आई कैन डू इट इधर वे। 2√3 रूट 6 माइनस 2, नीचे अब जरा ध्यान देना, ये बनेगा अब रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। रूट 6 का स्क्वायर करोगे 6 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और ये बना 2, कैंसिल। रूट 18 माइनस 2√3, सो आई एम गेटिंग अंडर रूट 18 माइनस 2√3, ये तीसरे टर्म से मिल गया। देख लो, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं समझ में आया तो बता दो। नीचे अब ध्यान रखना, यहां 2 है, अंडर रूट 2 नहीं है, इसलिए जब आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 4 माइनस हो रहा है 6 में से, 2 माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब तीनों वैल्यूज आ गई हैं, अब जरा बीच में प्लस माइनस क्या साइन है उसको ध्यान में रखते हुए वैल्यूज डाल देते हैं और देखते हैं कि फाइनली मुझे आंसर क्या मिलने वाला है। लो जी, पहली टर्म मेरे पास है √12 प्लस √6, फिर मेरे पास नेगेटिव साइन आया बीच में और √18 प्लस √6, फिर प्लस का साइन √18 माइनस 2√3। लो जी, अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, अंडर √12 प्लस √6
माइनस साइन अंदर की साइंस को चेंज कर देगा, प्लस रूट 18 माइनस 2 रूट 3, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, अंडर रूट 12 माइनस 2 रूट 3, बताइए जरा आंसर क्या बनेगा? अब जरा थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल, अंडर रूट 12 को ध्यान से देखना, एग्जैक्टली आंसर विल बी 0। ध्यान से समझना बच्चों इस बात को, 12 के प्राइम फैक्टर बना लो, 2 से मल्टी किया 6, फिर 2 से किया तो 3। 12 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसका हो रहा है स्क्वायर रूट। 12 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3। ऐसे क्वेश्चन पिछली असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा, जहां पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कन्वर्जन करी थी, सेकंड मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन था, इफ यू रिमेम्बर। प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 12 बन गया 2 × 2 × 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर रूट कर रहे हो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये अकेला ही पड़ा था बेचारा, तो 2√3 बन जाएगा और कैंसल आउट हो करके आंसर 0। इस बात को दोबारा देख लो, 12 अंडर रूट को 12 की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, 12 को लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2, 2 स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, ये कट करके 2 और 3 की पावर 1/2 को √3। तो अंडर रूट 12 इज सेम एज 2√3, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट, आंसर इज 0। इज इट ओके? यस यस। चलिए जी, जिसको नहीं कुछ पॉइंट समझ में आया वो पूछ लो, और ये इस तरह की कन्वर्जन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कई बार हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। 12 को प्राइम फैक्टराइज किया, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखा, पावर 1/2, एक्सपोनेंट के रूल्स, a इंटू बी पावर n इज a पावर n इंटू बी पावर n, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होके 2 दे देगा, यहां से अंडर रूट 3 आ रहा है मेरे पास। अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं? yes। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, और बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्या करोगे? x की वैल्यू दी है 2/3 + √7, और मेरे से पूछा गया x माइनस 3 होल स्क्वायर बताओ क्या है। मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए, सबसे पहला काम क्या करना है? रैशनलाइजेशन, फटाफट कर दो, फटाफट रैशनलाइज करो और बताओ क्या आएगा, जल्दी से काम निपटाएं हम। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी रैशनलाइज करो और बताओ, बहुत क्वेश्चन कर चुके हम रैशनलाइजेशन के, अब जल्दी से सोचो और बताओ कि इसको रैशनलाइज करके मुझे मिलने क्या वाला है। सिक्स माइनस अंडर रूट सेवन लगता तो नहीं है मुझे मिलेगा, ये 3 − √7 से मल्टीप्लाई और 3 − √7 से डिवाइड, 2 × 3 − √7, बच्चे डिनोमिनेटर 1 बन रहा है क्या? इज योर डिनोमिनेटर कमिंग आउट टू बी 1? आई डोंट थिंक सो। 9 − 7, ध्यान रखा करो यहाँ अंडर रूट नहीं है अभी, a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 9 − 7 डिनोमिनेटर इज 2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 3 − √7 एग्जैक्टली। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3 − √7। अब आपसे क्या पूछा गया, x माइनस 3 का स्क्वायर, अब x आ गया, x को यहां डालो
माइनस तीन करो, स्क्वायर करो और आंसर बोल दो जल्दी से। चलिए चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी। सेवन। सेवन, बिल्कुल ठीक है बेटा। आंसर इन दिस केस इज सेवन। देखो जी, x माइनस तीन करना है मुझे। x माइनस तीन का मतलब x की वैल्यू डाल दी, तीन माइनस रूट सेवन माइनस तीन, और इसका स्क्वायर, ये और ये गया, अंडर रूट सात का स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर करने से पॉजिटिव, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन। ठीक है जी, x माइनस तीन का स्क्वायर पूछा गया था, x मिल गया तीन माइनस रूट सात, यहाँ x को लिख दिया तीन माइनस रूट सात और माइनस तीन हो गया, पूरे का स्क्वायर करना है, तीन और माइनस तीन कैंसिल, नेगेटिव का स्क्वायर करके पॉजिटिव, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन। इज इट ओके, समझ में आया सभी को? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थ्री। यहां पर अब आपको बोला गया रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 527, कितनी पावर हुई है 27 की पावर कितनी? 4 और 1/4? 1/4। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। मुझे कहा गया इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब जिससे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, वैल्यू ऑफ दिस व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब मुझे ऐसी चीज से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर कैसा हो जाए, रैशनल। दो तरीके हैं अब आपके पास, एक ऑप्शन से चल सकते हो, जो कुछ दिया है एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते जाओ क्या डिनोमिनेटर रैशनल हुआ या नहीं। चलो इसी तरीके चलते हैं। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन का मतलब 3 की पावर 1/2 / 6। अब जितने भी ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं सब में अंडर रूट तीन, उसमें तीन की पावर बन रही है। अगर आप ऑप्शन में देखते हो 4 की पावर है या 3 की पावर, यहां 27 की पावर पड़ी है, तो यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर का काम तो हो ही रहा है, साथ साथ एक्सपोनेंट का भी काम चल रहा है अभी आपका। क्या 27 को 3 की पावर्स में लिख सकते हो? Yes. मैं 27 को 3 का क्यूब लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ये हुआ 3 की पावर 1/2 / 6, तो ये अल्टीमेटली बन गया 3/5, 3 की पावर 3/4, यहाँ 3 की पावर 1/2/6। अच्छा सॉरी सॉरी, रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए तो मतलब इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी करना है, तो एक सिंपल सी बात हम देखते हैं, एक मिनट पूरा करके देखना विल बी टीडियस टास्क। ये है 3/5 और इसको मैंने लिख दिया, इस फैक्टर को मैंने लिखा 3 की पावर 3/4। अब सबसे पहले एक बात सोचो, यहां पर है 3 की पावर 3/4, 27 को 3 क्यूब लिखा और बाहर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सबको समझ में आया? मेरे पास था 27 की पावर 1/4, आई एम राइटिंग 27 एज 3 क्यूब की पावर 1/4 विच मेक्स इट 3 की पावर 3/4। मुझे अब यहां पर 3 की पावर 3/4 की जगह क्या बनाना है, 3। रैशनल नंबर बनाने का मतलब मैं इसको 3 बनाना चाह रही हूं, ठीक है जी। है क्या मेरे पास 3 की पावर 3/4, मैं चाहती हूं क्या बन जाए, 3 की पावर 1। तो क्या सोच सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि मैं इसको 3 की किस पावर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 1 बन जाए? कितनी पावर होनी चाहिए 3 की ताकि मेरा आंसर पावर में 1 आ जाए? 1/4।
वन बाय फोर. एक्सपोनेंट का रूल, बेस सेम पावर्स एड. तो एक्स प्लस थ्री बाय फोर, यहां पर तीन की पावर और यहां पर तीन की पावर वन. बेस सेम पावर्स इक्वल, एक्स प्लस थ्री बाय फोर इज वन, इसका मतलब एक्स की वैल्यू वन माइनस थ्री बाय फोर, दैट इज एक्स की पावर वन बाय फोर. इज इट ओके? इसका मतलब मुझे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर में तीन की पावर कितनी चाहिए? वन बाय फोर. क्या आंसर बता सकते हो कौन सा बनेगा? कहां पर, किस ऑप्शन में तीन की पावर वन बाय फोर आ रही है? बी. बी, सो दैट इज माय आंसर. दोबारा देखो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था. रैशनलाइज करने का मतलब है मुझे वो काम करना है जिससे कि ये पावर फ्रैक्शन में ना रहे, वन बन जाए. तो मैंने क्या किया, तीन की पावर तीन बाय चार, इसको तीन की पावर एक से मल्टीप्लाई करूं, आंसर में चाहिए तीन की पावर एक. बेस सेम पावर्स ऐड, यहां बेस सेम इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम, तो पावर्स इक्वल, एक्स की पावर वन बाय फोर, सो आंसर बिकम्स बी. सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, फिफ्थ, और उसी से ही आपका केस स्टडी का लास्ट पार्ट भी होगा. तो ये हम विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास. राइट, जो कुछ आज किया वो समझ में आया बच्चों? Yeah. बच्चों कल अपना फिजिक्स का जो आपका टेस्ट हुआ है वो लेकर के आना है, वो क्लास में डिस्कस होगा. ठीक है जी, कल फिजिक्स का जो भी टेस्ट आपका हुआ क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे आप लोग, डिस्कस होगा क्लास के अंदर टेस्ट. ओके जी.